पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पल्स लेस मरीज का पिछले एक साल से इलाज कर रहे डॉक्टर एसपी गुप्ता को आखिरकार बड़ी कामयाबी हाथ लग गई। उन्होंने बताया कि एक ऐसे मरीज का इलाज किया जा रहा था जिसकी पल्स ही नहीं आती थी और इसके साथ ही अनेकों बीमारियों से मरीज को घेर रखा था। बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ, जिसके बाद आयुर्वेदिक दवाओं ने आखिर वो कर दिखाया जिसने कोई उम्मीद भी नहीं की थी। डॉक्टर एसपी गुप्ता का कहना है कि आयुर्वेदिक दवाओं के सहारे पिछले एक साल से मरीज का इलाज किया जा रहा था और अब मरीज को आराम है, मरीज की पल्स भी आने लगी है। डॉक्टर एसपी गुप्ता ने बताया कि इस तरह की बीमारी से 1,00,000 लोगों में एक ही मरीज ग्रसित होता है। डॉक्टर एसपी गुप्ता ने कहा है कि आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज है, बस मरीज का ट्रीटमेंट नियमों के आधार पर होना चाहिए। डॉक्टर एसपी गुप्ता का कहना है कि मॉडर्न साइंस में इस तरह की बीमारी का बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री इलाज नहीं है, लेकिन इसका कारण किताबों में अज्ञात लिखा है। आपको बता दें कि डॉक्टर एसपी गुप्ता के द्वारा एक ट्रेनिंग सेंटर का संचालन किया जाता है जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। उन्होंने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बीएएमएस डॉक्टर्स का राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ एक कंपटीशन लेता है। पूरे भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ के माध्यम से आयुष मंत्रालय 70 से अधिक डॉक्टर्स का चयन करता है। जिन लोगों को आयुर्वेद का व्यावहारिक ज्ञान होता है उन डॉक्टर्स को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, जिसके चलते हम अपने यहाँ चिकित्सकों को प्रत्येक रोगी के विषय में डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं और चिकित्सक को ट्रेनिंग देते हैं। डॉक्टर एसपी गुप्ता कहते हैं कि आज के समय में स्वयं चिकित्सा की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, जो परेशानी का सबब है। उनका कहना है कि कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट डॉक्टर की बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। उन्होंने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वयं चिकित्सा के लिए लोगों को जो प्रेरित किया जा रहा है वो अत्यंत हानिकारक है। ये एक ऐसे रोगी का हमने ट्रीटमेंट किया है जिसको कि पल्सलेस डिजीज़ एक होती है, पल्सलेस बीमारी, इसमें नाड़ी की पैल्पेशन हाथ में नहीं होती है और रोगी को इसके साथ बहुत सारी शिकायतें जैसे सीने में दर्द रहना, घबराहट, ब्लड प्रेशर उसका चेक ही नहीं हो पाता था। और इस रोगी ने जगह जगह ट्रीटमेंट कराया, एम्स के बड़े बड़े अस्पतालों में भी ट्रीटमेंट कराया इंडिया के, लेकिन इस रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ। ये थायराइड से भी ग्रस्त थी और इसको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये हमारे पास आया और इसने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट, ये लोग अभी भी ट्रीटमेंट ले रही है और ये 1 साल से मेरे ट्रीटमेंट में है और इसकी पल्स भी आने लगी है। इसका हमने एक वीडियो भी तैयार किया है, आप इसका वीडियो भी सुन सकते हैं। और इसी की प्रेजेंटेशन मुझे आयुष मंत्रालय द्वारा गोवा में निमंत्रण मिला था, इसी केस की मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और मैंने वहाँ इसको प्रेजेंट किया केस को, इसका पोस्टर भी मैंने प्रेजेंट किया है। इसी डिजीज़ के बारे में हमने एक पीपीटी पूरी इसके 40 पन्नों की तैयार की है और हमने यही पीपीटी यहाँ के हमारे आदरणीय सीएमओ साहब को भी हमने ये पीपीटी भेजी है। और ये केस 10,00,000 में इंडिया में 3 मार्क पाए जाते हैं, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये टाकेसो आर्थराइटिस पल्सलेस डिजीज़ के ये पेशेंट्स, मुरादाबाद की आबादी यदि 30,00,000 है तो 3 मरीज इसके मुरादाबाद में भी है, तो प्रति 10,00,000 पर 3 केस इसके ऐसा कुछ सुनने में आता है, मिलते हैं। तो आयुर्वेद में तो ऐसे एक चमत्कार है, बशर्ते कि हम लोग चिकित्सा आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार करें। आपको क्या पढ़ी? देखिए, ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बीएएमएस डॉक्टर्स राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ एक कंपटीशन लेता है ऑल ओवर इंडिया का और हम लोग ऑल ओवर इंडिया 70 के आसपास आयुष मंत्रालय हम लोगों का चयन करता है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के माध्यम से, और हम लोगों को जो आयुर्वेद का व्यावहारिक ज्ञान है वो हम अपने यहाँ चिकित्सकों को प्रत्येक रोगी के विषय में उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं और रोगी के द्वारा प्रत्येक रोगी की हमारे यहाँ जो चिकित्सक ट्रेनिंग लेते हैं उस रोगी की एक केसीट 5 पन्नों की तैयार की जाती है और पूरा शास्त्रोक्त नियम के अनुसार ही उस रोगी की चिकित्सा की जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो पेशेंट आपके पास आया था उसमें अगर उस डिजीज को देखें तो उन किताबें क्या कहती हैं? अगर देखिए, मॉडर्न साइंस में तो इसका बहुत ज़्यादा जो है ट्रीटमेंट सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसका कारण उन्होंने अज्ञात लिखा है, कॉज भी नोन नहीं है। हमारे जो जिस बीमारी का कॉज अननोन बताया जाता है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के द्वारा, तो हमारे यहाँ उस रोगी की चिकित्सा दोषानुसार की जाती है, रोगी की प्रकृति
और डिजीज में दोष का ह्यूमर का कौन सा एलिमेंट है उसके द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। और मैं अधिकांश दवाइयाँ रोगी की प्रकृति और डिजीज़ के अकॉर्डिंग स्वयं ही अपने संस्थान में तैयार कराता हूँ। मैं बाज़ार की दवाइयाँ खरीद कर नहीं देता, तो रोगी के दोष के अनुसार ही हमारे यहाँ दवाइयाँ तैयार होती हैं और उसी के अनुसार हम चिकित्सा करते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।